आज के वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेंड्स के बारे में। अक्सर आप ट्विटर पे ट्रेंड्स देखते हो कि ट्विटर पे जो है वो पॉलिटिकल ट्रेंड्स कुछ ज्यादा चलते हैं और वो नंबर वन पे चलते रहते हैं। या तो वो गवर्नमेंट के सपोर्ट में होते हैं या तो गवर्नमेंट के खिलाफ होते हैं, चाहे न्यूज हो, चाहे कोई प्रोटेस्ट हो, चाहे कोई इलेक्शन हो। ट्रू न्यूज होती है कि फेक न्यूज होती है, होती क्या है? अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, ये सर्वे किया गया था जिसमें ये पता चला कि ट्विटर पे जितने भी ऐसे ट्रेंड करते जो पॉलिटिकल होते, या तो वो डिफेम कर रहे होते या सपोर्ट कर रहे होते किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी पॉलिटिकल फिगर या पॉलिटिकल लीडर को इंडिया के अंदर, तो ऐसे प्रोएक्टिव कांग्रेस ट्विटर अकाउंट्स के खिलाफ ऐसे 120 बीजेपी ट्विटर अकाउंट्स हैं। मतलब हम ये मान सकते हैं कि अगर एक कांग्रेस का प्रोएक्टिव ट्विटर अकाउंट है तो उसके सामने उसके लिए 120 से भी ज्यादा बीजेपी प्रोएक्टिव ट्विटर अकाउंट्स है। ये जो रिपोर्ट है ये ऑन मोसेस, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, उसने ये रिपोर्ट तैयार की है और ये प्रिंट में भी पब्लिश हुई है। ट्विटर ट्रेंड्स मोस्टली ट्रेंड करते रहते हैं जिसमें आप ये देखते हो कि वो मोस्टली मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, फेक न्यूज, फेक वीडियो या फिर मैनिपुलेटेड मीडियाज होते हो उनको शेयर करते हैं हाई लेवल पे। कई और रिपोर्ट तैयार की गई थी एल्गोरिदम की मदद से जिसमें 4 लाख ट्विटर अकाउंट्स का सर्वे लिया गया था। वो 4 लाख अकाउंट जो थे वो मोस्टली वो अकाउंट थे ट्विटर के जो पॉलिटिकल ट्वीट्स ज्यादा करते हैं। ये पाया गया था कि जो 1.2 लाख ट्विटर अकाउंट थे वो कांग्रेस के सपोर्ट में थे और जो 2.7 लाख थे वो बीजेपी सपोर्ट में। जो कांग्रेस के सपोर्ट में थे वो क्लियर नहीं हुआ कि वो बाकी में एक कांग्रेस सपोर्टर है या फिर वो एक एंटी बीजेपी है, क्योंकि ये दो अलग अलग आइडियोलॉजी है। ये जो सर्वे या रिपोर्ट तैयार की थी ये urbannazi.com ने की। वही एक और रिपोर्ट के अनुसार ट्विटर पे जितने भी टॉप ट्रेंड्स होते हैं या ट्रेंड्स होते हैं उन ट्रेंड्स को जो करता है, मतलब एक ही अकाउंट के अंदर कई सारे हैशटैग लगे होते हैं एक ही ट्वीट के अंदर, तो ऐसे देखे गए थे। और फिर कई जो डाटा निकाला गया था वो ये था कि ऐसे 18,000 प्रोएक्टिव बीजेपी ट्विटर अकाउंट थे जो बीजेपी के लिए मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज या फिर ऐसे ट्विटर ट्रेंड्स कराते थे। अब बीजेपी अकेली पार्टी नहीं है जो ये करती है। दूसरे नंबर पे जो ट्विटर या हम कहें आईटी सेल जो था बीजेपी आईटी सेल के पास, वो कांग्रेस भी थी, इसके पास भी ऐसे प्रो कांग्रेस 147 ट्विटर अकाउंट है। इसमें काफ़ी डिफरेंस है क्योंकि अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि रिज़ाइन मोदी, मोदी जॉब दो, मोदी जवाब दो, एंटी मोदी, एग्जिट मोदी, ऐसे कई सारे ट्वीट्स करते रहते हैं, तो बहुत से लोग कहते हैं ये भी ट्रेंड करते हैं। तो 147 कांग्रेस को क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था प्रो कांग्रेस होना और एंटी बीजेपी होना दो अलग अलग बातें होती है। ये ट्रेंड्स तब ट्रेंड कर जाते हैं क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एक्टिविस्ट टाइप के होते हैं, मतलब उन्हें कांग्रेस को वो सपोर्ट नहीं करते लेकिन हाँ गवर्नमेंट के खिलाफ अपनी आवाज उठाते हैं। पूरी की पूरी जो रिपोर्ट है वो दी प्रिंट में छपी है, तो इसे आप डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। जिसने ये सर्वे कंडक्ट किया था या जिसने ये रिपोर्ट तैयार की थी उसका नाम मेंशन नहीं है, उसने अपना नाम हिडन रखा। और उसने अपना नाम हिडन इसलिए भी रखा है क्योंकि उसे भी डर है कि जो ट्रोल आर्मी है ये ट्विटर की जो ट्रोल आर्मी है वो उसे भी ट्रोल ना कर दे। उसने ये पूरी रिपोर्ट एक सॉफ्टवेयर एनालिस्ट के माध्यम से तैयार की थी। 98% ये देखा गया था कि 98% जितने भी फेक इन्फॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वाले ये जो ट्विटर अकाउंट होल्डर्स होते हैं ये सारे के सारे अनवेरीफाइड होते हैं, जिसकी वजह से ये लोग अपना एडवांटेज उठाते हैं और कई सारी ऐसी चीजें जो एक वेरीफाइड अकाउंट नहीं कर सकता वो ये सारी चीजें करते हैं, जैसे कि अपने ट्वीट में हेट फैलाना, अपने ट्वीट्स में अब्यूज करना किसी को भी, फॉल्स इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज, मैनिपुलेटेड मीडिया, और ये सब लार्जर वॉल्यूम में देखा जाता है अगर हम इसे कंपेयर करें किसी भी वेरीफाइड अकाउंट से। मतलब कंगना रानो चाहे कितना भी हेट फैला रही हो तो ये उससे भी 100 गुना ज्यादा फैला रहे होंगे। सर्वे में ये भी देखा गया था कि जो इनके जितने भी ट्वीट्स होते हो उसमें एक ही ट्वीट के अंदर कई सारे हैशटैग होते हैं, मिनिमम एक से ज्यादा हैशटैग आपको जरूर मिलेंगे। अब 2-3 हैशटैग तो कोई नेता ही अपने ट्वीट में यूज कर लेता है और इनकी में तो आपको 4-5 आराम से मिल जाएंगे। ट्विटर ही नहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऐसी इमेज बनाना, ऐसा प्रोपोगेंडा करना जो बीजेपी है वो एक सही पार्टी है और बाकी सब आतंकवादी है या फिर बाकी सब एंटी हिंदू है या फिर ऐसी आइडियोलॉजी के। इन अकाउंट्स में मोस्टली ये देखी गई थी या तो जो प्रोफाइल्स होती है उन पे कोई फेस नहीं होता है, फेस होता है तो मोस्टली मोदी जी का ही फेस होता है, और अगर उसका होता भी है और इनके बायो में भी मोस्टली हिंदू मोदी ऐसे वर्ड्स लिखे होते हैं और ये बीजेपी लीडर्स के मोस्टली फॉलोवर्स होते हैं। और कई हद तक ये भी माना गया कि ये लोग राहुल गांधी को भी फॉलो करते हैं।
राहुल गांधी को फॉलो करने का जो रीज़न है कि राहुल गांधी अगर कोई ट्वीट भी करे तो उसके नीचे सबसे पहले यही बने उसे अब्यूज़ करने वाले। चीज़ कांग्रेस के खुद के ट्विटर हैंडल या फिर उनकी ट्विटर आर्मी में भी देख सकते हो। ऑनमोसिस की जो ये रिपोर्ट तैयार हुई है उन्होंने अपने सर्वे में ये बताया कि वो रोज 4 घंटे अपने कंप्यूटर पर बैठ के ये एनालाइज करते थे कि कौन किस प्रकार का ट्वीट कर रहा है और कैसे ट्वीट ट्रेंड्स कर रहे हैं, और वो जो ट्वीट ट्रेंड कर रहे हैं वो आदमी हर कितने मिनट में ट्वीट करता है। कहीं पे ये भी पाया गया था कि ऐसे 3.9 लाख अनवेरिफाइड अकाउंट है जो कि बीजेपी के लिए ट्वीट को ट्रेंड्स कराते हैं। मैं आपको कई बार मेंशन कर चुका हूँ कि ये ही नहीं, कई सारे जो ऐसे बंदे होते हैं जो ट्विटर ट्रेंड्स कराते हैं, और ये सारे मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो सारे अंडर एज होते हैं, और जिस प्रकार की ये भाषा यूज़ करते हैं आप सोच भी नहीं सकते। इन्हें पता भी नहीं होता कि ये लोग लिख क्या रहे हैं। ट्विटर के माध्यम से एक न्यूज़ सोर्स मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं जिसकी वजह से जो कम्युनल इम्बैलेंस सोसाइटी के अंदर वो ज़्यादा क्रिएट होता है। इसके लेटेस्ट एग्जाम्पल आप ट्विटर पर देख सकते हो, जब CA प्रोटेस्ट हुआ था, स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ था, बैंकर प्रोटेस्ट हुआ था, फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था, या फिर रीसेंट जो बंगाल वायलेंस हुई थी जिसमें बीजेपी की कई वुमेन्स वर्कर का रेप हुआ था, कि पता चला कि ना ही वो दो महिलाएं बीजेपी की वुमेन वर्कर थी और दूसरी बात ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था। फिर हम बात करें मानिक मोत्रा की, जो असलियत में तो अभेरो चैटर्जी था, ना ही वो बीजेपी का कार्यकर्ता था और ना ही वो मरा था। लेकिन इसमें जो ये देखा गया कि 2% जो केसेस होते हैं जो इन फेक इंफॉर्मेशन और फेक न्यूज को स्प्रेड करते हैं हाई लेवल पे, वो वेरीफाइड अकाउंट करते हैं। मतलब जो पूरा ट्विटर ट्रेंड चलता है वो दो उसमें 2% जो योगदान होता है वो वेरीफाइड अकाउंट्स का भी होता है, जिसमें जो सबसे ऊपर नाम आता है वो बीजेपी के IT सेल खुद अमित मालवीय का आता है, जो फेक न्यूज़ को अच्छे लेवल पे और खुलेआम फैलाता है। जैसे कि आप सभी जानते हो JNU वायलेंस में क्या हुआ था और ये महिला कौन है, या फिर पूरे मीडिया ने छान मारा था, लेकिन आज तक पुलिस जो शायद अमित शाह जी के अंडर में आती है वो आज तक नहीं पता लगा पाई ये महिला गई कहाँ या ये महिला है कौन। ते भी लोग थे उन सब ने राइट विंग को पॉइंट आउट किया था कि ये उनकी नेता है, उन्होंने किया है, लेकिन एंड में आके वो सब ये बोलते नहीं ये लेफ्ट विंग के ही लोग। हालांकि जो खेमचंद शर्मा है बीजेपी नेशन के IT एंड सोशल मीडिया कैंपेनर की ट्विटर आर्मी से इस पूरे स्टेटमेंट से डिनाई करते और वो ये कहते हैं ये जितने भी ट्विटर पे जो बच्चे ट्रेंड कराते ये लोग ट्रेंड कराते ट्विटर अकाउंट वो बीजेपी के कोई IT सेल के मेंबर नहीं है। वो ये कहते हैं वो एक वॉलंटियर्स हैं जो अपने मन से बीजेपी के लिए ट्रेंड कराते हैं, और वो 2 रुपये की बात को डिनाई करते हैं। और जब उनसे ये पूछा जाता है कि एक्चुअल में ये लोग कितने हैं, तो सर्वे में तो 18,000 कहीं पे कुछ, तो वो कहते हैं कि मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता लेकिन ये 1 लाख से ज़्यादा है। मतलब 1 लाख से भी ज़्यादा लोग जो बीजेपी का नेता खुद कह रहा है ऐसे ट्विटर ट्रेंड्स कराते हैं। सेम चीज रोहन गुप्ता जो कि कांग्रेस के हैं वो भी यही कहते हैं कि वो सब वॉलंटियर्स हैं। सेना चाहे कोई भी हो, जब तक सेनापति का आदेश ना हो तो सेना काम ही कैसे कर सकती। अमित मालवीय जो बीजेपी IT सेल के हेड है, उनके रिकॉर्ड में कई सारी ऐसी फेक न्यूज फैली है जो उन्होंने हाई लेवल पे फैलाई है और यही उन्होंने ट्रेंड्स क्रिएट किए। चाहे शाहीन बाग प्रोटेस्ट की बात हो जिसमें उन्होंने कांग्रेस पे आरोप लगाया था, या बिरयानी वालों की बात हो शाहीन बाग के अंदर, लखनऊ में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे हो, या फिर AMU में लगते हो हिंदुओं की कब्र खुदेगी, जर्नलिस्ट कैसे CA को सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर मनमोहन सिंह की एक मैनुपुलेटेड वीडियो, नेहरू की एडिटेड वीडियो, या फिर राहुल गांधी हिंदू नहीं है वो हो। राहुल गांधी ने कही थी एक तरफ से आलू डालो एक तरफ से सोना निकलेगा। इस वीडियो को भी बहुत अच्छी तरह एडिट किया गया था और इसको अमित मालवीय ही थे जिन्होंने शेयर किया था। राहुल राम रहीम की कैसे अरविंद केजरीवाल की रैली में मॉब लिंचिंग हुई, बंगाल इलेक्शन हो या तेलंगाना के पोल्स हो, चाहे नोबल विनर सपोर्ट कर रहे हैं डिमोनेटाइजेशन को, योगेंद्र यादव की बात हो, और एक चीज जो सबसे बड़ी बात है जो हमें बोलना भी नहीं चाहिए, जो हाथरस केस हुआ था, हाथरस केस में भी आरोपियों के साथ जो 4 रेपिस्ट थे उनके साथ अमित मालवीय के जो ट्रेंड थे वो पूरे सपोर्ट में उतरे हुए थे। हालांकि उन्होंने पूरा का पूरा जो महिला है, महिला की फैमिली है, उसी पे ही सारे आरोप लगा दिए थे। और अपडेट और आपको दे देता हूँ, जैसे कि कंगना रानौत का जो अकाउंट सस्पेंड हुआ था, ट्विटर ने हालांकि ये कहा कि ये बार बार कई सारी ट्विटर की जो पॉलिसीज है उसका उल्लंघन हो रहा था, जिसके बाद उन्हें परमानेंटली सस्पेंड करना पड़ा।
हालांकि जो उनका आखिरी ट्वीट था वो काफी कंट्रोवर्शियल था, अगर वो डायरेक्टली ममता बनर्जी को पॉइंट आउट करती तो शायद से उनके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लिया जाता, लेकिन क्योंकि उनके ट्वीट में नरेंद्र मोदी को भी शामिल कर लिया गया था तो शायद से हो सकता है नरेंद्र मोदी ने खुद उनके खिलाफ एक्शन लेने को कर दिया। क्या कंगना रानौत दूसरी ऐसी सेलिब्रिटी या दूसरा ऐसा वेरीफाइड अकाउंट है ट्विटर का डोनाल्ड ट्रंप के बाद जिन्हें परमानेंटली सस्पेंड किया गया है ट्विटर के द्वारा? और ये भी देखा गया कि एक मूवी सीन्स मतलब मूवीज के जो क्लिप्स और सीन्स होते हैं उनको भी डाल दिए जाते हैं अपने ट्विटर ट्रेंड्स में। और इस बारे में जो ट्विटर है, ट्विटर खुद भी कहता है कि जो ट्विटर बनाया गया था, ट्विटर को इसलिए बनाया गया था ताकि डेमोक्रेसी जिंदा रहे, प्रोटेस्ट जिंदा रहे, कोई भी अगर प्रोटेस्ट करता है तो वो अपनी आवाज़ उठाए, ट्विटर पे आए, ट्विटर पे ट्रेंड करे ताकि सरकार को दिखे कि हाँ भाई उसके खिलाफ लोग खड़े हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन इंडिया के अंदर जो ट्विटर है, ट्विटर का एक धंधा ही बन गया है। बीजेपी आईटी सेल ट्विटर खुद कहता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने जो है इस पूरे ट्विटर का जो असली मतलब था उसको पूरा खत्म कर दिया, कि जो बीजेपी आईटी सेल है वो कैसे मैनिपुलेटेड वीडियो, रिलेटेड फोटोज और मैनिपुलेटेड जितने भी मीडिया होते हैं उनका यूज करता है, और फेक न्यूज इंफॉर्मेशन और जितने भी रेप थ्रेट, सुसाइड, बुली, हरासमेंट काफ़ी हद तक बढ़ गई है, जैसे खुद ट्विटर भी कंट्रोल नहीं कर पाता है। ऐसा सिर्फ ट्विटर ही नहीं, ये सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे यही हो रहा है। रिसेंटली की खबर आप जानते होंगे कि कैसे फेसबुक ने, अब मुझे नहीं पता कि क्या रीज़न था बैक में, कोई पॉलिटिकल रीज़न था या उनका कोई पर्सनल रीज़न था, कि रिज़ाइन मोदी के जितने भी हैशटैग थे वो सब डिलीट कर दिए परमानेंटली। जो लास्ट वीडियो फेक न्यूज़ को एक्सपोज करते हुए बनाया था इसी से रिलेटेड, बंगाल वायलेंस से रिलेटेड, तो उस पर भी जो मुझे नहीं पता ट्विटर आर्मी के जिन पे कोई प्रोफाइल नहीं होती, नाम भी जॉन सीना रख लेते हैं, पता नहीं कुछ भी नाम रख लेते हैं, वो आ जाते गाली देने और फिर कुछ कह दो कि अगर तुम के 2 रुपये की ट्विटर हो तो पता चला और गाली देना स्टार्ट कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे, DM करेंगे, वीडियो कॉल करेंगे, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सोशल मीडिया पे जितने भी ऐसे अकाउंट्स होते हो उन सब के खिलाफ हमें एक्शन लेना चाहिए, हमें आवाज़ उठानी चाहिए, इन्हें रिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि कंप्लेन हम कहीं पर करेंगे तो हमारी तो कोई सुनेगा नहीं। हालाँकि मैंने उसे मैसेज कर दिया था कि मैंने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन कर दिया है। तो आई होप आपको कुछ नया पता लगा होगा इन बीजेपी आईटी सेल या फिर जो आईटी सेल की पूरी इंडस्ट्री उसके बारे में। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और कमेंट कीजिएगा अपने व्यूज इस टॉपिक के रेफरेंस में।